फ्रेंड्स, आज हम एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लाइफ चेंजिंग मैसेज हमें देती है। स्टोरी का नाम है द नेकलेस गाय दी मोपसंत। फ्रेंच नेम है तो प्रोनंसिएशन थोड़ा सा अजीब है, और ये स्टोरी हमें जो मैसेज देती है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों कैरेक्टर के बारे में पहले हम देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको एकदम शॉर्ट में पूरी समरी क्लियर कर देता हूँ। मटिल्डा लोइसल एक ब्यूटीफुल वेमेन है, उसके हस्बैंड एम लोइसल और उसकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। स्टोरी शुरुआत होती है, उसमें बताते हैं कि मटिल्डा किस तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और क्लर्क फैमिली से, मतलब उसकी फैमिली में क्लर्क है ज़्यादा, और बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश नहीं होती है क्योंकि उसको उसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत कुछ पाना चाहती है, एक लग्जोरियस लाइफ जीना चाहती है, एक हाई क्लास लाइफ जीना पसंद करती है। लेकिन आपको अफसोस कि वो मिडिल क्लास से होती है और इसलिए उसकी वो सब ड्रीम फुलफिल होना मुश्किल होता है। उसकी मैरिज जो होती है एम लोइजल से, वो भी एक क्लर्क होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, तो सीधी सी बात है वो भी उस हाई क्लास लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाता है। हाँ, लेकिन ये बहुत ही ऑनेस्ट और ईमान मतलब साथ में केयरिंग हस्बैंड होता है, अपनी वाइफ का बहुत ध्यान रखता है, उसकी छोटी से छोटी चीज़ों को उसको खुश रखने का। लेकिन मटिल्डा एक अपनी लग्जूरियस लाइफ जीना चाहती है, उसकी डिज़ायर होती है कि वो बहुत ही रिच लाइफ जिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। तो एक दिन क्या होता है, लोइसल को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक बॉल पार्टी मतलब इन्विटेशन मिलता है फॉर ए बॉल मतलब पार्टी का। तो लोइसल खुश हो जाता है कि मटिल्डा को बताएगा और वो इतनी बड़ी पार्टी में आएगी तो वो भी खुश हो जाएगी। लेकिन जब वो जाता है इनविटेशन कार्ड देता है तो मटिल्डा खुश होने के बजाय गुस्सा और हो जाती है और बोलती है ये किसी उस पर्सन को दे दो जाके जो उसके लिए एलिजिबल हो। मतलब वो अपने आप को अनफिट इसलिए समझ रही है क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, और इसी चीज़ के लिए उसको बोलती है कि मेरे पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है जो मैं इस पार्टी में जा सकूं पहन सकूं। तो थोड़ा सा अपसेट होता है लोइसल, फिर वो पूछता है कि भाई कितने तक की आप ड्रेस आ जाएगी, तो बोलते अराउंड 400-500 francs। तो लोइसल ने अपनी एक सेविंग की होती है 400 francs की, जिससे वो एक गन खरीदना चाहता है जब वो अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पार्टी में जाए तो वहाँ थोड़ा शो ऑफ कर सके और इन्जॉय कर सके। लेकिन वो अपनी चीज़ों को छोड़ के उसको पैसे दे देता है। तो मटिल्डा जाती है और एक अच्छी से ड्रेस खरीद के आती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत अपसेट होती है। अपसेट इसलिए होती है कि अब उस अच्छी से ड्रेस के साथ में उसके पास ज्वेलरी नहीं होती है पहनने, तो जो उसके लिए क्या, तो वो कह वो फिर से अपसेट होती है। तो लोइसल कहता है एक काम करो, अपने किसी फ्रेंड से, नहीं पहले तो वो ये कहता है कि नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। तो वो गुस्सा हो जाती है जब वो नहीं ये चीज़ मानती है, तो वो कहता है एक काम करो तुम अपनी किसी फ्रेंड के पास से उधार ले लो कोई ज्वेलरी। तो उसको ये आइडिया अच्छा लगता है और वो अपनी फ्रेंड जो बचपन की फ्रेंड होती है मैडम फॉरेस्टियर उनके पास जाती है, और मैडम फॉरेस्टियर उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं, तो वो सब ज्वेलरी उसको दिखा देती है। और वो पूरी ज्वेलरी देखने के बाद, बहुत सारी तो उसको पसंद नहीं आती, लास्ट में उसको एक ब्लैक डायमंड जो नेकलेस है वो उसको पसंद आता है। तो जब वो उसको नेकलेस के लिए कहती है तो फर्स्ट दे देती है उसको। उसके बाद क्या होता है कि वो पार्टी में जाती है और पार्टी में वो बहुत खुश होती है क्योंकि हर एक पर्सन उसको खुद से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, साथ में उसको डांस के लिए अप्रोच करता है, और इस चीज़ में सब उसकी ब्यूटी को प्रेज करते हैं और वो क्वीन की तरह वहाँ होती है। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है सुबह के 4 बजे तक। तब तक लोइसल या उसके जैसे और भी लोग जो अपनी वाइफ के साथ आए थे पार्टी में, वो कहीं बाहर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं आराम, क्योंकि उनको तो नेक्स्ट डे अपने वर्क पे फिर से जाना होता है। और जब पार्टी ख़त्म होती है 4 o'clock, मटिल्डा बहुत खुश होती है, वो थोड़ा वॉक करते हैं, उसके बाद में कैब लेके घर आते हैं। और लास्ट टाइम मटिल्डा चाहती है कि वो देखे कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। जैसे ही मिरर के सामने खुद को देखती है और अचानक ही वो शॉक हो जाती है,
शॉक किस लिए होती है कि उसका जो डायमंड नेकलेस था वो गायब हो चुका, मतलब उसके गले में होता ही नहीं है। वो चिल्ला पड़ती है और लोइसल को बुलाती है कि मेरा नेकलेस गायब है। तो लोइसल भी बहुत टेंशन में है और वो उसी समय भागता है। पूरे रास्ते जहाँ से उन्होंने जर्नी की वो पूरे रास्ते ढूंढता है। उसके अलावा जब वहाँ नहीं मिलता है तो फिर वो जाके पुलिस पे कंप्लेन करता है, कैब ऑफिस की विजिट करता है, कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद में वो एडवर्टीजमेंट में देता है कि कोई अगर उसको नेकलेस रिटर्न करेगा तो उसको अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा, वो भी मतलब सक्सेसफुल नहीं होता उसमें। इसके बाद क्या होता है तो वो कहता है काम करते हैं, अब हमें नेकलेस तो लौटाना ही पड़ेगा, अपनी फ्रेंड मिसेस जो फर्स्ट ईयर है उनको कह दो कि उसमें थोड़ा सा रिपेयरिंग काम है, वो तो उसमें कुछ दिन में वो रिटर्न कर देंगे। कह देती तो मैडम फर्स्ट ईयर को ऐसा कुछ नहीं होता है और वो ओके कह देती है। फिर वो जाता है लोइसल नेकलेस उसी तरह सेम टू सेम नेकलेस को देखने की भाई इसकी क्या प्राइस होगी। तो उसको पता चलता है 40,000 francs का वो नेकलेस था। वो शौक थोड़ी सी बार्गेनिंग करता है, रिक्वेस्ट करता है, तब टोटल मिला के उसको 36,000 में वो शॉप जो ऑनर है वो बोलता है ठीक है मैं आपको 36,000 francs में दे दे। अब उसने क्या उसको जो उसके फादर से इनहेरेंट मनी होती है वो 18,000 francs होती है वो ले लेता है और बाकी का 18,000 francs वो अपने लगभग जिसको भी जानता है सबसे बोरो कर लेता है। वो नेकलेस खरीदता है और फिर जाके मटिल्डा मैडम फर्स्ट ईयर को वो नेकलेस रिटर्न कर देती है। लेकिन अब कहानी शुरू होती है क्योंकि इतना सारा लोन ले रखा है, कर्ज ले रखा है, तो उसको रिटर्न भी तो करना है। तो उससे क्या होता है कि उनकी लाइफ एकदम पुअर हो जाती है। उनकी वो दोनों ही लोग बहुत ही पॉवर्टी में लाइफ जीना शुरू करते हैं, अपने मकान को छोड़ के दूसरे एक छोटे से एटिक घर है उसमें जाते हैं। मटिल्डा जो है उसने अपनी मेड और असिस्टेंट जो भी हैं सबको हटा दिया है। अब चाहे स्विंग का काम हो, मेंडिंग का काम हो, वॉशिंग का काम हो, क्लीनिंग का काम हो, कुकिंग का काम हो, सब कुछ मटिल्डा को खुद ही करना पड़ता है। यहाँ तक कि उसको ग्रॉसर से या बचर के पास जाके जो शॉपिंग करती है तो बार्गेनिंग करती है। और किस लिए? 100 मतलब एक कॉइन है फ्रेंच कॉइन, एक एक 100 को बचाने के लिए। तो इस तरह से बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ जीती है। उसके अलावा जो लोइसल है वो भी एक्स्ट्रा वर्क करता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वर्क के अलावा अदर ऑफिसेस में काम करता है। और इस तरह से उनकी ये पुअर लाइफ 10 सालों तक चलती है। 10 साल में क्या होता है, मटिल्डा की जो ब्यूटी है वो ऑलमोस्ट जा चुकी होती है और बहुत रफ हो चुकी होती है उसकी स्किन, क्योंकि सभी काम उसने खुद किए होते हैं और बहुत ही। लेकिन आज भी मटिल्डा उस बॉल को याद करके खुश होती है कि किस तरह से लोग उसकी ब्यूटी को प्रेज कर रहे थे। 10 साल के बाद जब पूरा लोन खत्म होता है तब एक बार मटिल्डा जा रही होती है और मैडम फर्स्ट ईयर को देखती है। मैडम फर्स्ट ईयर आज भी उतनी ही खूबसूरत और यंग थी। वो मटिल्डा को नहीं पहचान पाती पर मटिल्डा देख लेती और बोलती है हेलो मैडम फर्स्ट ईयर कैसे हो। तो वो पहचान ही नहीं पाती, बोले माफ़ करना मैंने पहचाना नहीं। तो बोले मैं मटिल्डा। बोले ओ पुअर मटिल्डा, तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई है। तो बताती है कि सब आपके उस हार की वजह से हुआ है और स्टोरी बताती है कि किस तरह से उसका हार चोरी हो गया था तो उसने नया हार खरीदा है और उस हार के लोन को चुकाने में उसको 10 साल लगे, आज उसका वो मतलब लोन खत्म हो पाया। तो ये सब बात सुन के फर्स्ट ईयर शॉक रह जाती है और कहती है वो पुअर मटिल्डा, वो हार तो नकली था, फेक डायमंड का हार था वो, और तुमने 10 साल लगा दिए। और ये सुन के मटिल्डा भी बहुत दुखी होती है। दोस्तों कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉरल मैसेजेस हैं, लेकिन यही कि आप अपनी लाइफ को बियॉन्ड योर ड्रीम्स मत